आ नहीं रहा है कैसे मैं मेरे सामने करूं। आपको आपको वहां पे ना दो एरो के निशान ओके बहुत बहुत थैंक यू सर। कहाँ से सर? मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ। अहमदाबाद से? अच्छा अच्छा, बताइए आपकी क्या कहानी है, क्या स्टोरी आपकी? एक साल पहले मुझे स्टार्ट हो गया था यहाँ से पिगमेंटेशन। बहुत टेंशन में आ गई थी। बस जस्ट आपका मैंने वीडियो देखा, मैंने फिर सब वीडियो को देखा एंड मैं एनकरेज इतनी हो गई कि मैंने अभी तक मैं फॉलो कर रही हूँ। हाँ 100% नहीं हो रहा है मेरा, पर बहुत अच्छे से कर रहे हो। मीन्स मेरे जो भी प्रॉब्लम्स थे वो भी काफी रहे। अच्छा, पर थोड़ा सा अभी लाइफ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब इतना बाकी है तो वो लास्ट अभी जा नहीं रहा है। अच्छा, तो आपको अभी कितना टाइम हो गया डाइट फॉलो करते हुए? अराउंड 1 ईयर एंड अराउंड उससे 2-3 महीने ऊपर हो गए। अच्छा अच्छा, तो कितना परसेंटेज चला गया? मेरे ख्याल से 90% चला गया है। 10% मुझे लग रहा है, लोगों को नहीं लग रहा है। पर मेरा एक और इश्यू है कि कभी कभी मेरा स्किन कालापन जैसा लग रहा है, कभी मैं व्हाइट लगती हूँ, मीन स्किन थोड़ी सी ग्लोइश एकदम लगती हूँ, कभी एकदम ब्लैक जैसा होने लगता है क्या, तो कभी ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है ये। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताइए अपनी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में। सुबह उठते पहले मैं ये जो आपका जो सेरम पाउडर है उसको वार्म वाटर में लेती हूँ। नहीं, मैंने बोला फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताएं। फिजिकल एक्टिविटी मैं साइकिलिंग करती हूँ रोज सुबह। साइकिल लेके मैं योगा में जाती हूँ, योगा 1 घंटा परफेक्टली करती हूँ, उसके बाद साइकिल लेके वापिस आती हूँ, देन इवनिंग में 1/2 घंटा साइकिलिंग करती हूँ। और घर का जो रूटीन में होता है। इसको भी 1 साल हो गया आपकी फिजिकल एक्टिविटी को करते हुए? योगा करते हुए मुझे 4 महीने हुए। इससे पहले मैं रेगुलर वॉक करती थी एंड साइकिलिंग करती थी, पर वॉक के ऑप्शन में मैंने योगा लिया थी। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं आपकी डाइट के बारे में, बताएं। सेम सुबह मैं सेम पाउडर लेती हूँ वार्म वाटर के साथ। फिर जो योगा में जाती हूँ मीन्स पूरा क्लीन में रहता है। आने के बाद मैं थोड़ा सा मीन्स रोज हमेशा रेगुलरली पवा फल से मैं कोई भी सीजनल फ्रूट्स खाती हूँ आते ही योगा से। उसके बाद मैं एक हेल्दी प्रोटीन डाइट लेती हूँ कुछ भी, जिस जैसे कि स्प्राउट्स हो गया, पनीर की सैंडविच हो गई, या तो पीनट बटर की सैंडविच हो गया, एंड चाय लेती हूँ थोड़ी सी, पर चाय की क्वांटिटी में नहीं लेती पर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नारियल मीन्स मेरा घर का करके मैं नारियल रोज एक लेती हूँ। अभी मैंने नारियल का ऑल्टरनेट डे ले रही हूँ। एक साल मैंने कंटिन्यूस लिया, अभी मुझे मीन्स ऑल्टरनेट डे ले रही हूँ मैं, इसमें 3 या 4 दिन। अच्छा ठीक है। उसके बाद ये फ्रूट्स एंड हो गया ड्राई फ्रूट, और वो भिगो के रखती हूँ सुबह में 10-10:30 बजे में ड्राई फ्रूट सीड्स और ये चिया सीड्स का वो ले लेती हूँ, चबा के खा लेती हूँ। फिर मैं सैलेड का पूरा एक बाउल लेती हूँ। उसके बाद मैं खाने में 1 रोटी सब्जी ज्यादा दही मीन्स कर्ड रेगुलरली कर्ड एंड प्रोटीन वाला कुछ भी हेल्दी ज्यादा वो लेती हूँ। उसके बाद मैं मल्टी विटामिन लेती हूँ एंड विटामिन B12 का एक गोली लेती हूँ, क्योंकि मेरा अभी 49 एज है, मुझे लग रहा था कि विटामिन B12 मुझे थोड़ा सा, पर अभी नहीं है कुछ भी डेफिशिएंसी। उसके बाद मेरा मैं टीचर हूँ तो मैं क्लासेस लेती हूँ, और इन बिटवीन मैं कुछ ना कुछ हेल्दी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं इतना वो वाला जो पकौड़ा वकोड़ा वाला पार्ट नहीं खाती हूँ। खाती हूँ तो क्वांटिटी कम लेती हूँ, मन हुआ खा लिया, ना नहीं खाती हूँ, पर हेल्दी में ज्यादा फोकस कर रही हूँ। शाम के टाइम में चाय के साथ कुछ भी हेल्दी एक ले लेती हूँ। शाम के टाइम में अभी मैंने सैलेड बंद किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा और मीन्स कॉफिंग हो रहा है कुछ, यानी वाटर की पार्ट ज्यादा इंटेक हो रहा है, या मेरे बॉडी में वाटर इंटेक ज्यादा होने की वजह से मुझे कफ
जैसा लग रहा था, चार ही मेरा ऐसा लग रहा है मुझे। तो मैं अभी दो तीन दिन से ये सैलेड शाम का बंद किया है मैंने, और एक हमेशा हेल्दी फूड लेती हूँ कुछ भी। अभी भी मैंने ये प्रोटीन पैक, ये प्रोटीन आपका लिया नहीं है, मैं हेल्दी खा लेती हूँ कुछ भी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेती हूँ रेगुलरली। मीन्स मैं वेज, आपने बोला था पांच चीज जो इम्पोर्टेंट है, सैलेड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स, प्रोटीन एंड हेल्दी जो लेना है, वो पांचों पांच मैं रेगुलरली गिन के करती हूँ कि ये मैंने लिया है या नहीं। ठीक है ठीक है, तो काफी चीज है मुझे। हाँ, मुझे थोड़ा सा भी लास्ट का नहीं खत्म हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरी बातें की शादी है 11 मार्च को, मुझे और अच्छे से करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो आप ना, आप जो मैंने देखा आप जो डाइट ले रही, ठीक है अच्छी डाइट है आपकी, आप ना एक प्रोटीन पाउडर ले लो आप, ठीक है आप एक स्कूप ले लेना है उसको आप, क्योंकि देखो आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, थोड़ा सा प्रोटीन इनटेक और बढ़ा दो, क्योंकि क्या होता है देखो जितने भी ये जो सोर्स बताए ना आपने, ठीक है इसमें प्रोटीन तो है लेकिन कितना आपकी बॉडी को लगेगा है ना, वो भी मैटर करता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी है। तो अगर थोड़ा सा एक स्कूप अगर डेली ले लोगे आप प्रोटीन, तो उससे फर्क पड़ जाएगा आपको, ठीक है। आपकी लास्ट स्टेज है, मैं हमेशा कहता हूँ कि लास्ट स्टेज भी उतना ही टाइम लेती है पिगमेंटेशन के ठीक होने का जितने की उसकी पहली दो स्टेजेस होती है, ठीक है। मुझे भी एक साल लग गया था, ऑलमोस्ट 6 महीने में 80% गया, बाकी का 20% 6 महीने लग गए। तो आई एम हैप्पी कि आपका 90% चला गया है, बस ऐसे खुश रहा करो, ऐसे ही फॉलो करते रहो, और ये जो बाकी का बचा हुआ 10% है ये भी ठीक हो जाएगा। ऐसा मुझे एक और क्वेश्चन है कि मेरे बाल में भी इतना वो डाइट का इफेक्ट नहीं आ रहा है, मेरे बाल मीन्स आपने बोला था कि हरे पूरे उसमें इफेक्ट होता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत इंस्पायर हूँ, और मैं टीचर हूँ तो मैं बच्चों को रोज एक टॉपिक पे लेक्चर देती हूँ 5 मिनट का, सैलेड का, फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का। मीन्स मैं भी कहता है कि मुझे भी इंस्पायर करना है, मेरा खुद का मैं देख के करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई बच्चे भी आज के हेल्दी खाए चीजों को। चलो और ये मेरा आपको आप ही की लैंग्वेज में समझा लेता हूँ, आप टीचर हैं। देखिए जिस बच्चे ने जीवन भर पढ़ाई ना करी हो, अचानक से एकदम से एक साल पढ़ाई करी हो, तो एकदम से वो लिखना पढ़ना नहीं स्टार्ट कर देगा ना, उसको वक्त लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारी बॉडी होती है, हम पहले ध्यान नहीं देते पूरी लाइफ भर, फिर अचानक से हमें याद आता है कि अरे अब हेल्दी लेना है। तो चीजें देखिए धीरे धीरे चीजें ना बैलेंस होती है। अभी आपको 4 महीने हुए योगा करते हुए, 1 साल हुए डाइट लेते हुए, तो हर इंसान की बॉडी देखिए अलग है ना, तो हर इंसान को अलग तरीके से रिजल्ट मिलता है। तो 90% बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप ऐसे ही फॉलो करते रहो, और भी धीरे धीरे चीजें देखिए बॉडी में चेंजेस आते हैं धीरे धीरे तरीके से, ठीक है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ आप फिजिकल एक्टिविटी पर ज्यादा फोकस करें, तो ये भी ठीक हो जाएगा आपका। हर किसी को ना अलग अलग तरीके से रिजल्ट मिलता है, तो आपका भी यही सीन। तो जिसने जीवन भर कुछ नहीं किया, अचानक से सब कुछ हो जा सकता है। मैं हमेशा कब से सोची कैसे थैंक यू, मुझे नहीं ये सब इतना टेक्नोलॉजी में मैं नहीं बिलीव करती थी, पर जब से मैं इंस्टा फॉलो करने लगा तब से मैं अभी लाइव में ये दूसरी बार मैंने रखा, और मैं इतनी खुश हूँ कि चलो बहुत बहुत थैंक यू आपको सर की, क्योंकि मैंने इतने सारे मैं भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके मैंने भी मेरी स्किन की इतनी खराब वो हालत की थी, और सब छोड़ दिया, इवन मैं कुछ नहीं लगाती, अभी एक मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाती मैं, मुझे अंदर से ही जो अलग रहा है कि मुझे खुद को भी कि नहीं अच्छा हो रहा है। पर कभी कभी एक और एक प्रॉब्लम है कि अगर मुझे कोई पैक लगाना है तो मैं कौन सा ऐसा पैक लगाऊं कि मुझे भी ऐसा लगे कि मैंने भी कुछ किया वो क्यों होता है वो इसको कि नहीं कुछ तो किया देखो बहुत सारी चीजें आती, दही आती है, एलोवेरा आता है, रोज वाटर आता है, आप रोज वाटर घर पे भी बना सकती हैं, आप कई पैक मुल्तानी मिट्टी आती है, बेसन का जो पाउडर आता है बेसन को वो लगा सकती है, बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप चेहरे पे लगा सकती हैं, तो उसका वो कोई अच्छा, वो नहीं है। हाँ इसमें बढ़ेगा या ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं लगाया 1.5 साल से, मैं इवन फेशियल सब बंद कर दिया, मीन्स मुझे अंदर से ही अभी क्लीनिंग हो रहा है, मीन्स अभी मैं साइकिल करके जस्ट आई, फ्लैटिंग भी ना हो रहा है मुझे, इतना सारा पोर्स ओपन, आप जो बड़े बड़े पोर्स थे वो एकदम छोटे हो गए, जो पिंपल्स के थे वो मुझे ओपन पोर्स भी बंद हो गए मेरे, तो हमेशा मैं भी सबको
फेशियल वगैरह करा सकते हैं, फेस पैक लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इनका। बस ये है कि कौन सी चीजें जो क्रीमें वगैरह है उनको थोड़ा अवॉइड करें, नेचुरल चीजें जो आती हैं आप उससे करवाएं, एलोवेरा से आप फेस क्या कहते हैं फेशियल करवाएं, उससे देखिए कितना फर्क पड़ता है। अच्छा जी, मैं ओमेगा 3 नहीं ले रही हूँ तो चलेगा ओमेगा 3? देखिए आपने आप रेगुलर बेसिस पे चीज लिया करें, चिया सीड लिया करें, ठीक है, चिया सीड हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, ये सीड लेने हैं, पीनट बटर आप ले रही हैं, फिर घर का खाना अगर आप देसी घी भी यूज करती हैं, सरसों का तेल भी यूज करती हैं, हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओमेगा 3 मिल जाता है। लेकिन वेजिटेरियन लोगों हेल्दी वायरस ने क्या कर दिया है घर में कि हमेशा सरसों की खुशबू आती है। मैंने कहा तुम मिलोगे तो पता चलेगा कि ये क्या मैजिक है सरसों का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लाइव आई हैं, अपने अपने इन्फॉर्मेशन दी है, थैंक यू सो मच। रखे ठीक हो जाएगा दोबारा बात करेंगे। और प्रोटीन का कौन सा मैं बेस्ट होगा मेरे लिए? देखिए सबके लिए एक ही चीज होती है, आप मेरा कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखो, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, आप अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से आप ले सकती हैं, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जी, आप लाइव आई हैं, बात लंबी हो गई, चलिए फटाफट किसी और को लाइव लेते हैं। जो भी शख्स लाइव आना चाहता है नीचे मैसेज करे ताकि मैं उसको लाइव ले लूं।